असल में हमारे देश में साहब एक ऐसे व्यक्ति आ गए जिन्होंने गीता ज्ञान को भी वेद भाई पीछे छोड़ दिया। गीता में लिखा हुआ था, लिखा बताते हैं पुराने लोग कि गीता ज्ञान में बताया गया है कि माया यहीं रह जाएगी, शरीर चला जाएगा, पर पिछले साल 8 नवंबर के बाद गीता ज्ञान फेल हो गया, माया बैंकों में चली गई, शरीर यहीं पड़ा पड़ा सड़ रहा है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मुझे तो याद है एक वो एक पार्टी के नेता ने किराने की दुकान खोली हुई थी और उसके ठीक सामने दूसरी पार्टी के एक नेता ने बड़ा सा मॉल खोल दिया। मॉल खोल दिया तो मॉल के बाहर बड़ा बड़ा उसने एक बोर्ड लगाया, देसी घी 300 रुपए किलो। तो सामने जो छोटी दुकान थी उसने देखा तो अपने यहां बोर्ड लगाया, देसी घी 280 रुपए किलो। अगले दिन देखा मॉल में बोर्ड चेंज, रेट चेंज, बोले देसी घी 260 रुपए किलो। उससे अगले दिन छोटी दुकान पे देसी घी 240 रुपए किलो। मैंने छोटी दुकान के उस व्यक्ति से कहा, मैंने कहा इस तरह रेट कम करोगे, ये तो बड़ा है, पैसे वाला व्यक्ति है, इतना बड़ा मॉल है, तुम इस तरह पैसे कम कर कर के घी के तो इस तरह से नुकसान में आ जाओगे। बोले आ ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे पास घी है ही नहीं। पिछले चुनावों में श्वेता जी सही कह रहे हैं, गधों से चले थे कुत्तों तक आ गए, ये नहीं पता कि अब कवियों का प्रमोशन हो रहा है कि डिमोशन हो रहा है। हालांकि इससे बढ़िया तो एक ही विषय गिरगिट ले लेते तो सारे रंग आ जाते, सारी सब चीजें आ जाती। बहरहाल ये है कि पिछले चुनावों में गधे के अच्छे दिनों की घोषणा हुई, पिछले चुनावों में गधों के अच्छे दिनों की घोषणा हुई और अब कुत्तों के अच्छे दिन आने के संकेत मिले हैं। इस खबर से कुछ के चेहरे खिले हैं पर कुछ की शक्ल अभी भी मूंगफली के छिलकों की तरह छिली है। सच कहूं ये खबर मुझे ट्विटर से मिली। तो वेद भाई, आदमी में आदमियत, अवस्थी जी, आदमियों में आदमियत और कुत्तों में कुत्तई, आदमियों में आदमियत और कुत्तों में कुत्तई कतई नहीं रही। आदमियों में आदमियत और कुत्तों में कुत्तई कतई नहीं रही। आदमी कुत्तत्व को प्राप्त होते जा रहे हैं और कुत्तों में आदमी के गुण आ रहे हैं। और कुत्तों में आदमी के गुण आ रहे हैं। लगता है इस बार चुनावों में विशिष्ट प्रजाति के प्रतिनिधि चुने जाएंगे, पर मैं ये सोच रहा हूं ये गधे कहां जाएंगे।